साथ मोहम्मद कलीम भैया हैं, आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, बोलिए भैया। इस तरह मंडी में जो आमद हो रहा है आलू का जी, वो कोई ज़्यादा नहीं है जी जी, और मंडी में कोई उतार चढ़ाव की बात रही। जो अच्छा आलू है वो आज भी 500 रुपए का हम खुद ही ले रहे हैं, तमाम व्यापारी लोग यहाँ पर 500 रुपए का खरीद रहे हैं जी। जो निवल आलू आता है, चिट्टी है, चेचक है, हरा है, चुल्ली मिक्स है, जैसा आलू होता है उस हिसाब से बिकता है, चाहे वो 400 का हो, 450 का हो, 450 का हो। हाँ, और रही बात लाल आलू भी आज 500-550 का बिक रहा है, और उसके बाद फिर क्वालिटी ऊपर होता है, जैसा आलू क्वालिटी होगी वैसा ही बिकता है। वैसा बिकता है, हम देख रहे हैं ऑर्डर तो 500 के ऊपर भी है, लेकिन आलू ही नहीं मिल रहा लोगों को ना। हाँ बिल्कुल, ऑर्डर है ना, ऑर्डर 500 के ऊपर भी है, है। हमारी पार्टी लोग बाहर के हैं जी, 500 के ऊपर आलू मांग रही है, लेकिन मंडी में उस हिसाब से आलू नहीं है। इतना अच्छा आलू था जो 500 ऊपर लेने वाला किसान होशियारी में जो है सारा कोल्डम पहुँचा चुका है। हाँ, अब केवल कबाड़ा ला रहा मंडी में, अब कबाड़ा ला रहा मंडी में, ये बोलो मालिक नहीं ले रहे हैं। ये लोग किसान भाई लोग जो है मंडी में ले आते हैं, अगर कुछ नहीं होगा तो वहाँ लेबर भाड़ा ही सीधा हो जाएगा, बस इसलिए ये लोग बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा जैसे कि अभी हम देख रहे हैं लोग ये भी चिल्ला रहे हैं, भैया आमदनी बहुत है, हमें तो नहीं लग रहा यार कोई खास आमदनी भाई साहब। नहीं आलू तो है, आलू बहुत है अभी, अधिकांश आलू जैसे कि अधिकांश आलू खराब आ रहे हैं या नहीं आ रही है? अधिकांश आलू खराब आ रहे हैं, और हवा का भी तो है, अब तो आलू दागी होने लगा है, दागी हो रहा है, धूप है, इसलिए आलू दागी होने लगा है। हम देख रहे हैं कि दागी की शिकायत होने की वजह से व्यापारी लोग जो भी आज मंडी में आलू की खरीदारी कर रहे हैं भाई साहब, वो मतलब एक की जगह पे चच्चर कट्टा कटवा रहे हैं। हाँ इसीलिए कटवा रहे हैं कि देख लो कहीं खराब ना हो जाए मामला। कुछ लोगों ने माल लोड करके भेजा है, जो मंडी पहुंची है वहाँ पर लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कि इस तरीके दागी आलू निकल रहा है, मतलब उनको कमेंटें आ रही है भैया आप गलत आलू बेच रहे हो, आने लगी है कंप्लेंट आ रही है, इसलिए वो लोग बच के खरीद रहे हैं। पकड़ कटवाते थे पहले व्यापारी लोग, चार पकड़ कटवाते हैं, तो जैसे कि ये आमदनी जैसी हो रही बराबर, तो ये कब तक ऐसी चलती रहेगी? होली तक की तो उम्मीद है, इतना तो चलेगा होली तक, होली बाद कुछ कम हो जाएगा। और हाँ कुछ कम हो जाएगा, दाम स्टोरी सारे बंद हो चुके हैं, कोल्ड स्टोर मतलब भर गए हैं, भर चुके हैं, लेकिन कोल्ड स्टोर अभी भरे नहीं है, वो लोग अपना खुद ही जगह करके रखे अपना खरीदने के लिए, ऐसा भी हो सकता ना, जो उन्होंने अपना बारदाना बांट रखा है। हाँ, सामने जो उनके दिल के लगे हुए हैं, जिनके बाप दादा जुड़े हुए कोल्ड स्टोर से, उनका 50% रखना ही पड़ेगा, उनका तो रखना ही रखना है, लेकिन लोग ये कह रहे कोल्ड भर गए आलू भी, बाहर रह गया तो आलू बाहर रह जाएगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जो कोल्ड वाले कह रहे मेरे कोल्ड भर गए हैं भाई, जो आलू बाहर है उनका पहले से रिजर्वेशन है। हाँ बस वो उसी से जोड़ लेते हैं, उसी रिजर्वेशन है, इसलिए वो कह रहे भैया मेरा तो पूरा हो ही जाएगा, अभी हो किसी का नहीं गया भाई साहब, गारंटी देता हूँ। छिबरामऊ क्षेत्र में कोई भी कोल्ड पूरा नहीं हुआ, हर कोल्ड में किसी में 30,000, किसी में 20,000 और किसी में 50,000 कट्टों की जगह है। कोल्ड वालों का ये नियम हर साल का नियम रहता है, वो अपना 40-50,000 का जगह छोड़ के चलते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा खास किसान भी होते हैं, खास किसान और व्यापारी भी होते हैं, ये भी बोलो व्यापारी लोग भी मतलब रखते हैं कुछ व्यापारी। हाँ व्यापारी लोग बोल देते भैया 20,000 कट्टा मेरा आना है, जिस सीजन में किसान कोल्ड भर देता है सीजन व्यापारी ज्यादा नहीं रहता है, वो सोच लेता है कि हाँ आगे अनुमान अच्छा नहीं होगा। अच्छा अब एकदम से लोग ना घबराने लगे हैं कि आलू का भविष्य खतरे में लग रहा है। हाँ इसीलिए आमदनी को देख करके देख रहे हैं। हाँ लेकिन आपको लग रहा है कि खतरे में है भविष्य? कोई बड़ी बात कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि श्रीनाथ कोल्ड जैसा जिसके चौथा कमरा उसका खुल जाता है, तो अंदाजा लगाते हैं कि अब आलू फेंकेगा। क्या हो जाता? चार कमरे श्रीनाथ कोल्ड में। हाँ मतलब तीन भरते हैं। हाँ चौथा कमरा भर जाता तो कहते हैं बहुत ज़्यादा आमदनी हुआ होगा, इसलिए चौथा कमरा भरा गया है। अच्छा मतलब इसीलिए लग रहा है मतलब कि चच्चर कमरे भर गए हैं लोगों के, कोल आलू का जो भविष्य खतरे में हो गया है, हो सकता है। लेकिन लोगों का सिर्फ एक अंदाजा और अनुमान ये लगा रहा है कि बाहर जगहों पे आलू कम है तो यहाँ से सप्लाई होता रहेगा, ऐसा लोग सोच रहे हैं। होना था इसे बहराइच है, झारखंड हुआ, ये जहाँ भी आलू जो पहुँचना था पहुँच चुका है। अब तो बराबर रेखें भी लगने लगी हैं, बाहर आलू जाने भी लगा है। हाँ आलू तो बराबर जा रहा है, लेकिन खानगी में उतना नहीं जा रहा है, स्टोरेज में जा रहा है, इसका भी रखने का एक समय होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी हमने देखा था शुरुआती दौर में जब आलू पका नहीं था, आलू तैयार नहीं हो पाया, लोगों ने वो आलू भर के रख दिया कोल्ड में पहले ही से, कच्चा छिला आलू रख दिया था। हाँ दिख रही थी लोगों ने। हाँ तो छिला आलू रख दिया, उससे क्या छिला आलू रख दिया उसके कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो लॉस नहीं होना, अगर कोल्ड में अच्छा भाव मिलेगा तो उनका रेट बराबर हो जाएगा, अच्छा ना मिला तो घटी लगेगी। क्या भाव मिल सकता है कोल्ड में, क्या भाव मिल सकता है? कोल्ड में मंडी बंद होने के बाद ही कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ नहीं, ऐसा आलू चलता लगेगा 8-10 दिन। हाँ हाँ हमें नहीं लग रहा अब तो 4-5 दिन का खेल लगेगा आलू का, आलू चलेगा रायपुरा कोटवा साइड और तमाम ऐसे गाँव है। अच्छा शुरू हुई है। हाँ कुछ जगह पे केवल ज़्यादा
50-100-200 बीघा खेती आलू बस बचा है, कुछ जगह पे वो भी कुछ परसेंटेज पे खेत ऐसे होते हैं जो लोग बिल्कुल होली के बाद ही आलू बोते हैं। अच्छा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ऊपर डिमांड नहीं इसलिए आलू का दाम एकदम कम हो गया। हाँ। ये बात तो हमें नहीं लग रही भाई, डिमांड वगैरह सब कुछ है, लेकिन आलू क्वालिटी का जब नहीं मिलेगा तो कौन दे देगा भाई रुपए? व्यापारी कहना है 20-10 रुपए महंगा दे दो, लेकिन अच्छा दे दो। हाँ, थोड़ा छिबड़ा मंडी में समस्या ये रहती है कि किसान भाई बजट नहीं करके आते, सबसे बड़ी मार होती बाजार की। अंडा लेके आते हैं, अंडा लेके आते हैं वो कभी 48 किलो बैठता है, 50 बैठता है। हाँ, व्यापारी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि पैकर का वजन मामूली कुछ नहीं तो 53-54 किलो होना चाहिए। हाँ, उसमें 10-20 रुपए अगर महंगा हो जाएगा तो पता निकल आता है। यहाँ का किसान भाई वजन भी नहीं बढ़ता है, वजन लाता नहीं, केवल उसको ना ऐसा कट्टा ला, देखो कितना लूज कट्टा है, देखो ऊपर दिखाई दे रहा है, इतना लूज कट्टा भर के ले आते हैं और बस इसीलिए मतलब व्यापारी लोग सोच समझ के आलू खरीदारी कर रहे हैं। मैं आज हमने घूमा और देखा है, पता चला है मुझे कि मंडी में जो आलू की क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा निवल, मतलब आलू जो है सीधी भाषा में बोलो तो सब आलू जो है बहुत ज़्यादा मतलब निवल क्वालिटी के आ रहे हैं इस समय आलू, और टोटल आलू निवल क्वालिटी का, मतलब कोई मटीला तो कोई जगीला, टोटल निवल क्वालिटी के आलू मंडी में पहुँच रहे हैं। तो भाई जो रुपए देगा उसको चाहिए बढ़िया आलू, और घटिया खरीदेगा तो कम पैसे में खरीदेगा, तो यही हो रहा है, घटिया खरीद रहा है और कम पैसे में, तो लोगों को लग रहा है कि दाम गिर गया है, लेकिन दाम जो है गिरा नहीं है और निबल क्वालिटी की वजह से गिरा है। बाद बाकी आलू जो है आपके 400 से लेके 500 रुपए सफ़ेद आलू समझो, और लाल गोल ढर्रा वो आपका 450 लेके 550, और वहीं अगर न्यू हाईलैंड आलू की बात करेंगे तो न्यू हाईलैंड जो आपके हैं ना वो भी आपके 500 से लेके 570-580-550 इस हिसाब से बिक रहे हैं। बाद बाकी बिक्री वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ कमी सिर्फ निबल क्वालिटी की वजह से आलू के दाम में गिरावट देखने को लग रही है, मतलब है नहीं गिरावट, निबल क्वालिटी है तो इसी वजह से लग रहा है कि आलू का दाम कम हो गया।